मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्वनाम वाक्य प्रयोग पार्ट 3। हमने सबसे पहले तत् उसके वाक्य प्रयोग देख हमने सर्वनाम के वाक्य प्रयोग देखे थे। कौन से सर्वनाम के? तत्। उसके बाद देखे थे एतत्। आज हम देखेंगे किम। किम का टेबल हमने देखा हुआ था, किम नपुंसक लिंगम के साथ देखा था। ओके, तो हम आज किम प्रोनाउन के वाक्य प्रयोग देखेंगे और बाद में सब मिक्स वाक्य प्रयोग देखेंगे। किम वाक्य प्रयोग हो डैश बालकेन। किम है तो वो क्वेश्चन प्रोनाउन है, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डैश बालकेन, बालकेन, बालक वर्ड इज पुल्लिंगम, सो हमने किम पुल्लिंगम लेना है। बालकेन इज तृतीया एकवचनम, सो हमने किम प्रोनाउन का पुल्लिंगम तृतीया एकवचन ही इसके साथ लगाना है। क्या आएगा आंसर? केन बालकेन, केन बालकेन। ओके, कह कौ के, कम कौ कान, केम का, केन काभ्याम कई, हमने क्या लेना है? केन। सो इजी, एंडिंग्स आर 99% सेम रहते हैं। थोड़े सप्तमी वगैरह में थोड़ा एंडिंग्स और चतुर्थी में दो डिफरेंस रहता है। चतुर्थी एकवचन और सप्तमी में उच्चार है वो अलग अलग थोड़े रहते हैं। बाकी एंडिंग्स देखो आप, केन बालकेन, दोनों के न न एंडिंग आए, बालकेन केन ऐसे, सो इजी जाता है। ओके, याद रखने के लिए। सेकंड नंबर इज डैश गजस्य। क्या आएगा? गज पुल्लिंग वर्ड है, कौन सी विभक्ति? वो षष्ठी। सो आंसर क्या आएगा? किम प्रोनाउन पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम, कस्य, कस्य गजस्य, सेम एंडिंग्स देखो। नंबर 3 डैश नौकाम। नौकाम डैश नौकाम, नौका मतलब बोट। नौकाम विच विभक्ति? द्वितीया एकवचनम, दिस इज स्त्रीलिंगम वर्ड नौका, जैसे लताम। क्या आएगा आंसर? काम नौकाम, काम। क्या आएगा? काम, का के कहा, काम के कहा, यहाँ पे आंसर आएगा काम। डैश देवाभ्याम, देवाभ्याम हमारा क्या है? पुल्लिंग वर्ड है, देव, देव, देव देवाहा, देवम देव देवान, देवेन देवाभ्याम देवैहि, देवाभ्याम तृतीया द्विवचन आता है, चतुर्थी द्विवचन भी देवाभ्याम आता है और पंचमी द्विवचन भी देवाभ्याम आता है। तो तत् ये क्या लेना पड़ेगा हमें? किम प्रोनाउन पुल्लिंगम तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचनम, सेम, वो कौन सा रहेगा वर्ड? काभ्याम देवाभ्याम। क्या आएगा? काभ्याम देवाभ्याम। दीज आर योर आंसर्स। केन बालकेन, कस्य गजस्य, काम नौकाम, काभ्याम देवाभ्याम, ऐसे। नाउ नेक्स्ट डैश जले। जलम जले जलानी, जल वर्ड क्या है? नपुंसकलिंगम वर्ड है वो हमारा। ओके, जले विच विभक्ति? सप्तमी एकवचनम, तो आंसर क्या आना चाहिएगा हमारा यहाँ पे? किम प्रोनाउन सप्तमी एकवचनम नपुंसकलिंगम, सेम लाइक पुल्लिंगम, फ्रॉम तृतीया टू सप्तमी पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंगम सेम। क्या आएगा आंसर? कस्मिन जले, कस्मिन जले, कौन से पानी में, ऐसे। ओके, नंबर 6 डैश मित्रयोहो। मित्रयोहो विच विभक्ति? षष्ठी सप्तमी द्विवचनम, तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचनम पुल्लिंग का नपुंसकलिंगम का क्या आएगा? षष्ठी सप्तमी द्विवचनम, देखो षष्ठी की लाइन याद करो, कस्य कयोः केषां, तो यहाँ पे क्या आएगा? कयोः मित्रयोः, ऐसे, कौन से दो मित्रों को, ऐसे। आफ्टर दैट डैश सूचिकया। सूचिका मतलब क्या? निडल। सूचिकया विच विभक्ति? तृतीया एकवचनम, तो यहाँ पे सूचिका वर्ड स्त्रीलिंगम है, तो किम प्रोनाउन स्त्रीलिंग की तृतीया क्या होगी एकवचनम में? कया। कया सूचिकया, किस निडल से, किस निडल के द्वारा, ऐसे। डैश छात्राय। छात्राय इज अ चतुर्थी, छात्र वर्ड की चतुर्थी है वह, तो चतुर्थी में मैंने बोला एंडिंग्स थोड़े डिफरेंस रहते हैं चतुर्थी एंड सप्तमी। देखो तस्मिन जले, जले का एंडिंग ले है तो वहाँ पे तस्मिन आया, चतुर्थी एंड सप्तमी में ही थोड़ा डिफरेंस है। छात्राय तो क्या है यहाँ पे?
वहाँ पे कस्मिन जले लिया, यहाँ पे क्या आएगा? चतुर्थी है, वो तो सप्तमी थी। छात्रवर्ड भी पुल्लिंग है, आंसर क्या आना चाहिए? कस्मै। ओके, कस्मै छात्राय, कौन से छात्र के लिए? ऐसे इसके आंसर से कस्मिन जले कयो हो मित्रयो हो कया सूची कया कस्मै छात्राय किम प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। नाउ मिश्र अभ्यास हो, मतलब सब साथ में अभ्यास देखेंगे हम। तत् एतत् किम, तीनों का वाक्य प्रयोग, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेखांकित पदस्थाने सर्वनाम पदम लिखत, अंडरलाइन वर्ड है वहाँ पे आपने सर्वनाम प्रोनाउन डालना है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन डालना है। ओके, अंडरलाइन वर्ड की जगह पे प्रोनाउन डालना है, तो क्या करेंगे? वहाँ पे ब्रैकेट में तीन आंसर दिए, उसमें से उठा के डालना है। देखो, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति और डैश परोपकाराय फलन्ति, वृक्षाः को हमने रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। कौन सा वर्ड आएगा? वृक्षाः, पहले वो देखना है हमने कौन सा लिंग वचन है, वो विभक्ति। दिस इज पुल्लिंगम, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा बहुवचनम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ते तहा तस्य दिए है, मतलब तत् प्रोनाउन यूज करने को बोला है। तो सह तौ ते, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सह वृक्ष तौ वृक्षौ ते वृक्षाः, तो यहाँ पे आंसर आएगा ते, ते परोपकाराय फलन्ति। नंबर 2, बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, बॉयज आर प्लेइंग विथ अ बॉल। कंदुकेन, वो रिप्लेस करना है वर्ड, अभी वहाँ पे अंडरलाइन दी है। बालकाः डैश खेलन्ति कंदुकेन, क्या होगा आंसर? कंदुकेन विच विभक्ति? तृतीया। तृतीया वर्ड वाला हमारा कौन सा ब्रैकेट में वर्ड आपको दिख रहा है? तृतीया विभक्ति, तस्य षष्टी है, तेन इज तृतीया, तम द्वितीया, कंदुकेन है, तो क्या आएगा? तेन कंदुकेन, उस बॉल से, ऐसे। ओके, तेन कंदुकेन। नाउ दीज आर योर आंसर्स। वृक्षाः की जगह पे ते, ते परोपकाराय फलन्ति, बालकाः तेन खेलन्ति। नाउ नंबर 3, अश्वः धावति, सो इजी। अश्वः एक वचन, हम सिंपल वर्ड है, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? का नहीं, का स्त्रीलिंगम हुआ, कया तो तृतीया हुई, अश्वः इज अ प्रथमा एक वचनम, तो प्रथमा एक वचनम क्या आएगा किम प्रोनाउन का? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है किम, क्योंकि का कया और कह, मतलब किम किम प्रोनाउन यूज करना है, कौन सा वो हमारा आंसर आएगा? कह धावती, ऐसे। नंबर 4, छात्रो गच्छतः, टू स्टूडेंट्स आर गोइंग, जाते हैं जा रहे हैं, ऐसे। छात्रो, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? छात्र छात्रो छात्राः, दिस इज द्विवचनम, प्रथमा द्विवचनम और पुल्लिंगम। उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज होगा? सह छात्र तौ छात्रौ, तो आंसर क्या आना चाहिए? तौ तौ गच्छतः। नंबर 5, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, लीव्स आर फॉलिंग डाउन, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, वृक्षात, उसकी उसको हमने रिप्लेस करना है, वो वृक्षात पंचमी है, तो पंचमी वाला ही आंसर आएगा। एतया इज तृतीया, एतस्मिन षष्ठी इज सप्तमी, एतस्मात पंचमी, तो आंसर क्या आना चाहिएगा यहाँ पे हमारा? एतस्मात पत्राणि पतन्ति, इससे पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो इससे पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे ये हमारा आंसर हुआ। दीज आर अवर आंसर्स। कह धावती, ऐसे, तौ गच्छतः, एतस्मात पत्राणि पतन्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुवचने परिवर्त, 4th नंबर, नेक्स्ट वन इज। ओके, हमारे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तेन मित्रेण, आई थिंक मुझे, मैंने नंबर क्वेश्चन का सिर्फ रॉन्ग लिख दिया है, ये 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ओके, तेन मित्रेण, आपने क्या करना है? मित्रेण की बहुवचनम मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मित्रे ही। तेन, तेन वर्ड है वो तृतीया है, तेन ताभ्याम तैहि, तेन वर्ड है उसका बहुवचन क्या आएगा? तैहि, तो हमने वहाँ पे क्या लिखना है? तैहि मित्रैहि। नंबर 2, सह बालकः,
बालक वर्ग का बहुवचन मैंने दिया है, देखो बालका। सह का बहुवचन क्या होगा? सह तौ ते, क्या होगा? ते बालका। तस्यै कन्यायै, चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंगम। तस्यै कन्यायै, कन्यायै कन्याभ्याम कन्याभ्य, तो मैंने कन्याभ्य लिखा हुआ है। तस्यै ताभ्याम ताभ्य, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ताभ्य कन्याभ्य, सॉरी दिस आर योर, ताभ्य कन्याभ्य। तेन मित्रेण, तो तैः मित्रैः। सह बालकः, ते बालकाः। तस्यै कन्यायै ताभ्य कन्याभ्य। आप लोगों ने वहाँ पे प्रोनाउन उसका बहुवचन डालना है। नाउ नेक्स्ट, तस्मिन् वने, वने का बहुवचनम हुआ वनेषु, सप्तमी विभक्ति। वने वनयो हो वनेषु, मैंने वनेषु दिया हुआ है। तस्मिन्, तस्मिन् का बहुवचन क्या होगा? तस्मिन् सप्तमी, एक वचन है ये, तो उसका बहुवचन क्या होगा? तस्मिन् तयो हो तेषु, आंसर क्या आना चाहिए? तेषु, तेषु वनेषु, ऐसे। कस्मात् फलात्, पंचमी। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलेभ्यः इज गिवन। कस्मात्, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, आंसर क्या आएगा? केभ्यः फलेभ्यः। नेक्स्ट वन, एतम बकम, एतम द्वितीया, बकम द्वितीया एक वचन है ये। बकम बकौ बकान, बकान इज गिवन। एतम एतौ एतान, एतान बकान। नंबर सेवन, तस्य पुस्तकस्य, विच विभक्ति? षष्ठी, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां। तो तस्य तयोः तेषां, क्या आएगा आंसर? तेषां पुस्तकानां। तस्मिन् वने, तो तेषु वनेषु। कस्मात् फला, तो उसका बहुवचन केभ्यः फलेभ्यः। एतं बकम् एतान् बकान्, तस्य पुस्तकस्य तेषां पुस्तकानां। आपको प्रोनाउन का बहुवचन इसमें करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। आपने तद एतद किम, सबके जो प्रोनाउन है वो वाक्य में उसका प्रयोग कैसे होता है। किम इज़ अ क्वेश्चन प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने के लिए किम प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। यहाँ तक आपको सब प्रॉपरली आपके माइंड में आ गया होगा। हमने क्या क्या सीखा? तद एतद और किम, तीनों प्रोनाउन हमने सीखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने कौन सी सीखी? कि नाउन मतलब संज्ञा का जो लिंग विभक्ति और वचन होता है, वही लिंग विभक्ति और वचन सर्वनाम मतलब प्रोनाउन का भी होता है। और कोई भी टेबल अगर आपने, फॉर एग्जांपल ये टेबल देखा था, तो यहाँ पे पुल्लिंग यूज़ किया है बालक हो। अगर तत् स्त्रीलिंगम हम लेते तो सा बालिका, यहाँ पे किम, किम यूज़ होता तो कह बालक, ऐसे यूज़ करते। ओके, एतत् यूज़ होता तो एषः बालक। हमने क्या करना है, जो नाउन है उसके साथ वही विभक्ति, नाउन है उसका जो लिंग वचन और विभक्ति है वही लगानी है। ओके, और ब्रैकेट में आपको दिया होगा, जो अगर हमने तत् यूज़ करना है तो आप तत् यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए होंगे। अभी मैंने आपके जैसे क्वेश्चंस लिए उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू पैटर्न में ही ज़्यादातर से एग्जाम में आएंगे, तो आपको ईजी जाएगा। अभी आपके सब एग्ज़ाम्स एमसीक्यू पैटर्न में ही हो रहे हैं, तो आपको इजीली ऐसे ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। अपने सब के सब नोट्स लिखने हैं अभी वेकेशन में अच्छे से। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस सर्वनाम वाक्य प्रयोग प्रॉपरली। थैंक यू।